ये दर्द, बुखार, सूजन, ये बच्चेदानी की सफाई के लिए साथ में भूख बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है, साथ में जब भूख बढ़ाकर वीडियो की और मेडिसिन को देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोल्ड फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बकरी फार्म में कौन कौन सी दवाएं हमें रखनी है जो यूज़ के लिए है। ये बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अपने फार्म पे हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन रखें जिससे हमारे सारी बकरियों का इलाज संभव हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अपने फार्म रखते हैं और कौन कौन से आपको भी रखने हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए पूरा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बकरी फार्म पे आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है और कैसे यूज़ करना है, उसका कहाँ यूज है। तो आइए देखते हैं। पहले ये है आस्ट्रोवेट कैल्शियम 5 लीटर है, इसमें आपको 300 ml बिमराल मिला लेना है और 5 से 10 ml पर बकरी या खस्सी को देना है। उसके बाद आपका आता है बाइटम एच, इसका डोज है वो 3 से 5 ml है और इसका काम है बॉडी पे शाइनिंग लाना, ग्रोथ करना और ऑर्डर क्वालिटी बढ़ाना, दूध बढ़ाना। उसके बाद अगली मेडिसिन आती है, वो आता है दो, हमने ऑप्शनल रखा है दो, एक है यूट्रावाइव, दूसरा है एग्जापा। इसका जो काम है ये है बच्चेदानी की सफाई के लिए, साथ में जेर गिराने के लिए। बच्चा देने के बाद बकरी अगर जेर नहीं गिराती है तो वहाँ पे आप बच्चा देने के ठीक 15 से 20 मिनट बाद दोनों में से 30 से 40 ml कोई एक लेना है आपको, दोनों में से कोई एक 30 से 40 ml उसको पिला देना है। इससे जेर जल्दी गिरा देगी और दूसरा बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। उसके बाद मेडिसिन आता है हिमेक्स, ऑइंटमेंट है, मलहम है, कहीं कट जाता है, फट जाता है, घाव हो जाता है, वहाँ पे आपको ये लगाना है। उसके बाद एक हमारे पास और है इस्केवान स्प्रे, इसको भी आपको फार्म में रखना है, इसका भी काम वही है कटना पीटना घाव, उस जगह पे आपको इसका भी प्रयोग करना है। तीसरी आती है घाव के लिए बीटाडीन, पोडीन, आयोडीन, इसका भी काम वही है घाव हो गया हो या फिर कोई कट फट गया तो वहाँ पर लगाना है। तीनों मेडिसिन जो है इस्केवान, बीटाडीन और हिमेक्स, तीनों घाव के लिए हैं। उसके बाद अगली मेडिसिन अपनी आती है न्यूरोकाइन वेट सिरप है, इसका जो काम है वो है बकरियों को उठने बैठने चलने में दिक्कत हो रही है, मतलब नस संबंधी कोई भी समस्या है, वीकनेस है, वहाँ पर बकरी आपको 20 ml रोज देना है। उसके बाद मेडिसिन आती है होम्योपैथिक मिल्कोजेन, जिस भी बकरी को बीमारी हुई थी उसका दूध कम हो गया है, चाहे आपने इंजेक्शन लगाया दूध कम हो गया है, उस कंडीशन में 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को देना है, होम्योपैथिक मेडिसिन है गोया फार्मा की। इसके बाद आता है खांसी के लिए, मेरे पास दो है और बकरी को खांसी हो जाता है तो या तो कट कर खिलाइए 5 से 10 ग्राम या फिर हुमन का कोई भी आपको सिरप लेना, जो हुमन में सिरप आते हैं, मैंने क्रोल प्लस लिया है, आपको इसमें से 10 ml देना है, मतलब दो ढक्कन है ना, इस ढक्कन से एक ढक्कन बड़ी बकरी को पिलाना है, इससे खांसी सही हो जाएगी। या तो आप ये लीजिए या फिर ये लीजिए, 5 से 10 ग्राम इसका भी डोज है, 5 से 10 ml इसका भी डोज है। इसके बाद आता है ब्लोटोसिल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी आ रहा है, आप गर्मी के मौसम में बकरियों को आफरा बहुत ज़्यादा आता है, आफरा से बचने के लिए इसको आपको लेना है और 20 से 30 ml बड़ी बकरियों को आप दे सकते हैं, इससे आफरा आया होगा तो ठीक हो जाएगा। और साथ में आपको डिवार्मिंग भी देनी है, तो किसी बकरी को आफरा हो जाता है तो आप पीठ की कीड़ी के साथ साथ आप इसको दें, बहुत अच्छा लाभ मिला, क्योंकि जब पेट में कीड़े होते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होगा तो गैस बनेगा, उसीलिए आफरा आता है, तो डिवार्मिंग कराइए। मान लीजिए वो गाभिन है तो नीलजान या क्यूराजोन और प्लस ये आपको देना है लोटोसिल। उसके बाद अपने पास मेडिसिन आती है दस्त के लिए पावाडीन, इस पर वीडियो है चैनल पर, उसको जाकर आप प्लीज देख लीजिएगा अगर डिटेल जानना हो तो। अन्यब्लान, दस्त किसी भी बकरी को लग जाए, आपको अगर 25 किलो की बकरी है तो आधी बोलस इसमें से 3 से 4 चम्मच देना है, इससे बकरी ठीक हो जाएगी। और बड़ी बकरी अगर है 50 किलो प्लस है तो 1 टैबलेट इसमें दीजिए, 4 से 6 चम्मच इसमें दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। नेबलान और सल्फा ड्यूमेडिन के नाम से आता है। अगली मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें है क्यूराजोन 4 और नीलजान एल्बोमा, 3 ऑप्शन है आपके पास, ये तीनों डिवार्मर है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा है। जो क्यूराजोन 4 होता है ये प्रेगनेंसी सेफ है,
नीलजान जो है वो प्रेगनेंसी शेप है, ये जो है एल्बोमार प्रेगनेंसी शेप नहीं है। प्रेग्नेंट पशु को मतलब गाभिन बकरियों को आपको एल्बोमार नहीं देना है, खाली में देना है, बच्चों में देना है और खाली में देना है। ये जो है ये गाभिन को भी दे सकते हैं यूराजोन फोर्ट एल्बोमार, और इन सबका डोज जो है बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबका जो डोज है वो है 3 किलो पे 1 ml और 10 kg पे 3 ml। बड़ी बकरी है अगर 30 से 40 किलो के बीच में तो 10 से 12 ml आप दे सकते हैं उसको। अब ये मेडिसिन ख़त्म हो गई, उसके बाद हम लोग चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। देखिए गोट फार्मिंग में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल है और इसको आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत कास्टली आ जाते हैं, मतलब अंग्रेजी दवाई जो एलोपैथी होती है। तो मैं एक तरफ शुरू करता हूँ, ये जो दोनों मेडिसिन आप देख रहे हैं मस्टा की और फाइब्रो की, हम लोग इसको यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे बकरियों के थनों में गांठ हो जाए, थन लाल हो जाए, थन में से छिछड़े आने लगे, दूध ना आकर गाढ़ा मतलब दही के जैसा दूध आ रहा हो, लाल आ रहा हो दूध, मतलब दूध में खून मिला रहा हो या फिर पानी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप 10-10 बूथ 3 टाइम दोनों में से देंगे तो थनैला कैसा भी होगा सही हो जाएगा। तो आपको ये भी मेडिसिन रखनी है फार्म पे अपने, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था बकरी खरीदते समय क्या ध्यान देना है। मान लीजिए किसी बकरी का अगर एक थन में फाइब्रोसिस होकर वो बंद हो जाता है, दूध नहीं आता है, तो आपकी बकरी ख़राब हो जाएगी। इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद अगली मेडिसिन जो आती है वो आती है अल्फा अल्फा मदर टीचर। इसका जो काम है ये है बकरियों का मतलब एक तरह से कहे तो ओवरऑल सभी चीज़ों में काम करता है। ये भूख बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है, साथ में जब भूख बढ़ेगा बकरी का तो समझ सकते हैं जब भूख को ज़्यादा खाएगी अच्छा स्वस्थ रहेगी वो, उसकी बीमारी कोई भी नहीं हो, तो इसको आप समझ सकते हैं यह ऑलराउंडर एक तरह का टानिक है जो हर बीमारी में आप दे सकते हैं। बकरी को कम दूध हो रहा है तभी दीजिए, कम खा रही है तभी दीजिए, पतला गोबर करिए, लीवर संबंधी प्रॉब्लम है तब भी दीजिए, मतलब इसको आपको एकदम 100% रखना है। इसके बाद अगला मेडिसिन है नक्स। नक्स के बारे में एवरेज सभी लोगों को पता होगा, बकरी को गैस हो गया, कब्ज हो गया, ठीक आफरा आ गया, और मतलब पेट संबंधी कोई रोग है ना, कम खा रही है, तो पेट संबंधी किसी भी रोग में आप नक्स को दे सकते हैं। भूख कम लगना, जैसे पेट संबंधी अब एक तरह से मान सकते हैं पेट संबंधी कोई भी रोग हो तो आप नक्स को और इसको अल्फा अल्फा को दोनों को शाम को 5-5 बूंद आपको देना है, इससे बकरी की भूख बढ़ेगी, पेट संबंधी कोई भी समस्या होगा वो सारा ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन एकदम कन्फर्म है आपको लेना है। साथ में अगली मेडिसिन आती है एकोनाइट। ये मेडिसिन एक तरह से देखा जाए तो ऑलराउंडर है, क्यों कह रहा हूँ कि इसका जो रोल है किसी भी बीमारी के शुरुआती अवस्था में, मतलब अभी स्टार्टिंग हो रहा है, पैरालिसिस हो, सर्दी जुखाम बुखार, कोई भी बीमारी आप मान लीजिए शुरुआती स्टेज में इसका काम बहुत अच्छा है। मैंने बताया था खांसी अगर किसी बकरी को हो रही है तो खांसी में शाम को आपको 5 बूंद इसमें से देना है, कट कफ देना है, या फिर इसमें से 5 बूंद या फिर एस्क्रोल प्लस, मतलब कोई भी खांसी की आप सिरप ले सकते हैं, हुमन वाली हो या बेट वाली हो, लेकिन साथ में इसको ज़रूर देना है। बकरी को शाम को ठंडा लग जा रहा है, ठंड की वजह से खांसी सर्दी हो रही है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद एक मेडिसिन आती है आर्टिका यूरेनस। ये बकरी को अगर दूध नहीं हो रहा है बच्चा देने के बाद तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, दूध बढ़ाने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये भी मदर टीचर में, इसको भी आप लेकर यूज करें। और बकरी को अगर एलोपैथी में देखा जाए टैबलेट में हमारे पास 2 मेडिसिन है, एक बायोबूस्ट है और एक है क्यूरा बूस्ट। जो बकरी कम खाना खाने लगती है किसी रीजन बस तो वहाँ पर आप आधी बोलस आपको क्यूरा बूस्ट लीजिए, चाहे बायोबूस्ट लीजिए या फिर रुमन एपे, ये तीनों में से किसी में से एक को आपको देना है आधी बोलस सुबह आधी बोलस शाम। जब आफरा हो जाता है पशु को, जब पशु का आफरा हो जाता है वहाँ पे भी आप बायोबूस्ट को आधा दे सकते हैं, इसे नीलजान साथ में ब्लोटोसिल और उसके बाद बायोबूस्ट भी दे सकते हैं जिससे आफरा कम हो जाता है बहुत जल्दी। अब ये हो गए होम्योपैथी भी हो गए, ओरल जो लिक्विड थे वो भी हो गए, और इंजेक्शन की तरफ ये बहुत मेन है क्योंकि इसकी भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेलोनेक्स प्लस की, इसमें होता है मेलाक्सिकम पैरासीटामॉल। ये दर्द बुखार सूजन
तो बहुत अच्छा काम करता है। सर्दी जुखाम इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो डोज है वो है 10 kg पर 1 ml, 40 kg पर 4 ml। जितने भी लमसम इंजेक्शन है उसका डोज सेम आएगा आपका। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसको अभी रखते हैं साइड में। उसके बाद आते हैं CPM, जो एंटी एलर्जिक होता है। इसका भी डोज वही है, 40 kg पर 4 ml, 10 kg पर 1 ml। इसका भी डोज वही सेम रहेगा। साथ में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुक्षेत्रीय एंटीबायोटिक, एनरोफ्लॉक्सासिन, सबको पता होगा लमसम। इसका जो काम है सर्दी जुखाम बुखार डायरिया थनों में प्रॉब्लम, अगर थनैला हुआ है वहाँ पे भी इसका काम है। तो आप इसको 40 kg पे 4 ml, 10 kg पे 1 ml दे सकते हैं, या मतलब किसी बकरी को आप लगा सकते हैं, गाभिन और खाली है उसको भी दे सकते हैं। ये भी दोनों इंजेक्शन जो है प्रेगनेंसी सेफ है। प्रेगनेंट पशु को मेलोनेक्स प्लस CPM ये दोनों दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। साथ में इसके बाद आता है इंजेक्शन बेलामाइल। इसमें B1, B6, B12 के साथ लीवर एक्सट्रैक्ट आता है। लीवर संबंधी कोई भी समस्या है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको इसको भी रखना है, जब एंटीबायोटिक हम लगाते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ा देता है, मतलब बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरे में यह दूध कम नहीं होने देता है, भूख बढ़ाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जब लगता है पशु को उसका भूख भी कम होता है, दूध भी कम होता है, तो उसको मेंटेन करता है। अगली मेडिसिन आती है जो है स्पास्टिक वेट। बकरियों में बहुत ज़्यादा पेट दर्द की समस्या होती है, तो आप बकरियों में जब पेट दर्द की समस्या होती है तो वहाँ पे आप 10 किलो पे 1 से 1.5 ml ले सकते हैं। 40 किलो की या 30 किलो की बकरी है तो 4 से 5 ml लगा सकते हैं। पेट दर्द में बहुत अच्छा इंजेक्शन काम करता है, इसका नाम है स्पास्टिक वेट। एक मेन इंजेक्शन आता है बकरी पालन में कि हम लोग बकरियों को नहला नहीं सकते, क्योंकि बकरियों यहाँ ज़्यादा आपके पास 100-150 हैं तो नहलाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आपको आइवरमेक्टिन लेना है, जो जू चीचड़ किलनी होती है ना, तो उस जगह पर आप आइवरमेक्टिन लीजिए और 30 किलो पे 1 ml आपको इसको लगाना है। वो भी चमड़ी में लगेगा, ये जितने भी हमने इंजेक्शन बताए हैं ये मांस में लगाना है आपको, ये जो है इसको चमड़ी में लगाना है। आइवरमेक्टिन को सबकट लगाना है, वो भी 30 किलो पे 1 ml। आप एक काम कीजिए, वीडियो में सारा मेडिसिन एक बार ले लीजिए नज़दीक से, आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो की और मेडिसिन को देख लीजिए कौन कौन सा है, आपको कौन सा लाना है उसका नाम भी लिख लीजिएगा। सारी मेडिसिन आप दिखाइए जितनी भी मेडिसिन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जितने भी बकरी पालक हैं उनके पास ये वीडियो जा पहुँचे।